क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो हम आपके लिए लाए हैं वीडियो स्टोरी जो आपको इसका रास्ता बताएगी, यानी आप घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास, अगर आपके घर में भी ऐसा सिक्का पड़ा हो या फिर आपके कॉइन कलेक्शन में ऐसा सिक्का मौजूद हो तो चेक कीजिए। इस खास 1 रुपए के सिक्के को आप नीलाम कर 10 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। करोड़ों रुपए में नीलाम होने वाला ये सिक्का कोई मामूली सिक्का नहीं है। इस करोड़ी सिक्के में कई खूबियां हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि अगर आपके पास में रेयर कीमती पुराने नोट और सिक्के हैं तो उन्हें बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ऐसे रेयर कीमती नोट और सिक्के सिर्फ भारतीय मुद्रा में ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक देश की मुद्रा में ऐसे कई नोट और सिक्के होते हैं जो उनकी बनावट के आधार पर या फिर उन्हें जारी करने के वर्ष के आधार पर या फिर उसमें जो बनाने के लिए धातु उपयोग में ली गई है उनके आधार पर रेयर की लिस्ट में शामिल किया जाता है और इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अगर आपके पास में भी ऐसे रेयर नोट या फिर सिक्के हैं, चाहे भारतीय करेंसी के हो या फिर किसी और देश की मुद्रा आपके पास में पड़ी है, तो आप भी उन्हें बेच सकते हैं। बेचने के लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कौन कौन से वो नोट और सिक्के हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, जो भी आप वीडियो देखें पुराने नोट और सिक्कों की, उस वीडियो को हमेशा पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें और कमेंट में पूरी जानकारी लिखें अपने नोट और सिक्कों की। नोट है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो उसकी सीरियल नंबर और गवर्नर का नाम आपको जरूर लिखना होता है, और अगर सिक्का होता है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो उस सिक्के के ऊपर जो जारी करने का वर्ष और मिंट मार्क होता है वो आपको बताना होता है। उसके अलावा अगर स्मार्क सिक्का हो तो उसपे जिसकी फोटो बनी हुई हो वो जानकारी आपको लिखनी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश यादव पुराने नोट और सिक्कों का एक असली बायर और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड मेंबर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस पुराने नोट और सिक्कों के ओरिजिनल यूट्यूब चैनल और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के असली यूट्यूब चैनल करेंसी वाला पर। अगर आप करेंसी वाला चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख करके अपने नोट और सिक्कों को अच्छी खासी कीमत पर बेच सके। अब दोस्तों, ये जो आप स्मार्क सिक्के देख रहे हैं, चाहे आपके पास में 1 रुपए से छोटे जितने भी कॉइन होते हैं वो कॉइन है तो भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि 50 पैसे के सिक्के आप देख सकते हैं, अगर कोमेमोरेटिव कॉइन है तो उसके बदले में ज्यादा कीमत मिलेगी, और अगर 50 पैसे का नॉर्मल कॉइन है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर भारत का मैप और बीच में संसद भवन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, 2001 में जारी किया गया है, तो ऐसे सिक्कों को भी आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पुराने नोट और सिक्कों को सेल करने के लिए ना तो 1 रुपया भी फीस लगती है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ना ही किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो खुद को बायर बताता हो और आपके नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में आपसे फीस मांगे तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहें, सावधान रहें। किसी को भी 1 रुपया भी फीस ना दें, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं और ना ही अपने डॉक्यूमेंट की फोटो दें। दोस्तों, आप यहाँ पर 10 रुपए का जो नोट देख रहे हैं, पिकॉक वाला नोट इसे कहा जाता है, और इस पे राणा मल्होत्रा जी गवर्नर के सिग्नेचर किए हुए, तो ये नोट भी आप सेल कर सकते हैं। आपके पास में है तो हमें कमेंट करके बताएं। उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल फेसबुक पेज आप रियल कॉइन कंपनी और करेंसी बायर्स विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको भारत के जो 656 ओरिजिनल रजिस्टर्ड बायर है उनसे जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाएगी। वहां पर हमने काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं जिनमें इन बायर्स की जानकारी दी गई है, साथ ही साथ इन बायर्स की जो पुराने नोट और सिक्कों की न्यूमिस्मेटिक शॉप होती है उसका भी एड्रेस और फोन नंबर हमारे इन पेज पर दिया गया है काफी सारे वीडियो में। और दोस्तों, आने वाले दिनों में जो भी मुद्रा प्रदर्शनियां यानी कि करेंसी एग्जीबिशंस भारत के अलग अलग शहरों में लगने वाले हैं उनसे रिलेटेड तमाम जानकारी भी हमारे इसी चैनल पर आएगी। उसके अलावा रियल कॉइन कंपनी और करेंसी बायर्स फेसबुक पेज पर भी आएगी। वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई या फिर नोट और सिक्कों से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें रियल कॉइन कंपनी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले